हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एल झारखंड लाइव्स में और साथ ही साथ जे एल अकेडमी रांची में। ये दोस्तों आप सबको जिस वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार था, आप सब जिस वैकेंसी के लिए इतने दिनों से वेट कर रहे थे, फाइनली यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जेपीएससी की तरफ से ये विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। जी हाँ, 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी का विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है और कुल पदों की संख्या की बात करें इस विज्ञापन में तो 342 पदों के लिए ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जारी किया गया है। और साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन में एक चीज यहाँ पर, यानी कि जो प्रेस रिलीज किया गया है उसमें एक प्रीलिम्स को एग्जामिनेशन को डेट को यहाँ पर क्लियर किया गया है कि प्रीलिम्स आपके एग्जामिनेशन कब होने वाली है। तो प्रीलिम्स के लिए जो डेट प्रकाशित किया गया है हम लोग देखेंगे पूरे डिटेल्स में, विज्ञापन को भी देखेंगे, साथ ही साथ जो है वो कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कब से लेकर एग्जामिनेशन प्रीलिम्स की होंगी। तो मैं फिलहाल बता दूं कि 17 मार्च को प्रीलिम्स का यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए डेट जो है वो जारी किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। फिलहाल आप कुछ लोग जब अभ्यर्थी होंगे सीजीएल सचिवालय का, झारखंड सचिवालय का एग्जामिनेशन को लेकर काफी तैयारी कर रहे होंगे और उसमें फोकस्ड भी होंगे। फिलहाल एग्जामिनेशन दे लीजिए और उसके बाद फिर जो है वो जेपीएससी में आप सब लगेगा। और जो अभ्यर्थी सिर्फ जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ वो पहले से तो लगे हुए हैं ही, अब उनको अपना अंतिम रूप कही यानी कि सिलेक्शन वाली जो प्रिपरेशन होती है वो आपको यहाँ पर शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो मुख्य बातें हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए। और हम लोग चलिए डिटेल्स में देखते हैं कि जो 342 पद के लिए यहाँ पर विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया है उसमें कौन कौन सी पदों के लिए कितने सीटों की संख्या है, उम्र यहाँ पर क्या रहने वाला है, आवेदन यहाँ पर कब से आप कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन डेट जो है मैं वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। और उससे पहले आप सबको बता दूं कि हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों ही मोड में आप यहाँ पर जेपीएससी की प्रीलिम्स की और मेंस की यहाँ पर जो है वो क्लासेस चलने वाली है। तो यदि आप ऑनलाइन क्लास से या फिर आप ऑफलाइन क्लास से यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ब्रांच जरूर विजिट कर सकते हैं या फिर हमारा ऑनलाइन ऐप के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, जेएल लर्निंग ऐप। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो विज्ञापन है उसमें कुल पदों की संख्या जो है यहाँ पर वो प्रकाशित की गई है उसमें यहाँ पर कौन कौन सा है। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर 11 जेपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस का यहाँ पर जो है वो बैच शुरू होने वाला है, ऑफलाइन और ऑनलाइन यहाँ पर दोनों ही शुरू होने जा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा जे लर्निंग ऐप, और ऑफलाइन के लिए इस एड्रेस में विजिट कर सकते हैं, ठीक है। प्लाजा चौक के पास हमारा यहाँ पर सेंटर है, वहां पर आकर के आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको एड्रेस ना मिले तो, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली सेंटर में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के जस्ट सामने यहाँ पर जो है आपकी क्लासेस चलेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर मेन्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी हम लोग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आप यदि आप मेंस की पढ़ाई कर चुके हैं और अच्छे तरीके से अपना आंसर राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग भी यहाँ पर आप जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आप सीधे हम लोग चलते हैं जो विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रेस रिलीज किया गया है जिसमें यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथि यहाँ पर जो है वो जारी की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संबंध में आवश्यक सूचना यहाँ पर प्रकाशित की गई है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो है वो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अलग अलग सेवाओं के लिए राज्य सरकार से प्राप्त कुल 342, जी हाँ जैसा कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आप सबको कि 342 पदों के लिए ये विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित किया गया। हम लोग पूरी डिटेल्स में देखेंगे विज्ञापन को, फिर और आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं सारी चीजों को यहाँ पर क्लियर कर दूंगा आपको कि इस विज्ञापन में क्या क्या प्रकाशित यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो 342 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। रिक्तियों के आधार पर अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो कुल 342 पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। डेट यहाँ पर क्या रहने वाली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको देखना है कि कब से यहाँ पर फॉर्म भराने की डेट शुरू हो रही है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है 1 तारीख से, यानी कि 1 फरवरी 2024 से आपका यहाँ पर फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 29 फरवरी रहेगी क्योंकि फरवरी जो है वो सिर्फ 29 दिनों का है, तो इसलिए यहाँ पर ये 29 दिनों का आपका 29 तारीख को यहाँ पर आपका लास्ट डेट है।
पेमेंट यानी कि जो भुगतान करना है यहाँ पर एग्जामिनेशन फी जमा करने के लिए अंतिम तिथि जो रहेगी वो 1 मार्च रहेगा और प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि बहुत ही यहाँ पर आपको नोट करके रख लेना है, डेट तिथि नोट करके रख लेना है यहाँ पर कि जो प्रीलिम्स का आपका एग्जामिनेशन का यहाँ पर डेट जारी किया गया है वो 17/3/2024 यानी कि 17 मार्च को आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है संभावित तिथि, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट यहाँ पर कंफर्म डेट नहीं लिखा हुआ आपके लिए, ये संभावित तिथि है, टेंटेटिव डेट है आपके लिए ये, ठीक है, ये आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी डेट में हो जाएगा। तो इसी दिन देखिए यूपीएससी का भी एग्जाम है, जहां तक ये डेट जो है वो हमने देखा यहाँ पर यूपीएससी के लिए भी जो डेट है वो यहाँ पर सेम डेट है 17/3/2024 को। तो देखिए उसमें क्या होता है नहीं होता है वो आगे दिनों में पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन की डेट आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो ये महत्वपूर्ण तिथि यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि ऑनलाइन कब से भर सकते हैं और आपको यहाँ पर कब से जो है वो एग्जामिनेशन आप यहाँ पर जो है वो होने वाली है, ठीक है ना। और किस तरह से अगर आपको कोई समस्या होती है तो इस नंबर में जेपीएससी का यहाँ पर जो है वो हेल्पलाइन नंबर है ये कह सकते हैं, इस तरह की आपको फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है या फिर कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है जेपीएससी की वेबसाइट पर, तो आप इस नंबर पर यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप जो है वो ऑफलाइन अगर आप जाना चाहें तो 10:00 से लेकर 5:00 तक वहां पर जो है वो मेल भी सकते हैं जाकर कार्यालय में, ठीक है ना, और कॉल भी इसी टाइम में आप कर सकते हैं। चलिए विज्ञापन की ओर चलते हैं और विज्ञापन जो यहाँ पर जारी किया गया है उसे देखते हैं कि आखिर कौन कौन से पद के लिए यहाँ पर जो है विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। तो विज्ञापन संख्या 1 है, पहला है ये 2024 का, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना, विज्ञापन संख्या 1/2024 झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो 2023 के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। 342 पद है मैंने बताया अभी आपको यहाँ पर, तो ये पदों की यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, डिप्टी कलेक्टर के लिए यहाँ पर जो है वो कुल 207 पद है, डीवाईएसपी के लिए यहाँ पर जो है 35 पद है, मैं अलग से बता दूंगा ये जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है, सीटों का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है, आप टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम में जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या फिर जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो पदों की संख्या की बताने के लिए मैं अलग से यहाँ पर जो है वो लिख लिया हूं और ताकि आपको आसानी से जो है वो समझ में आ जाए। तो देख लीजिए झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए यहाँ पर जो कुल पद है वो 207 है, कितना है 207 पद है, ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटों की संख्या है, ठीक है ना। पुलिस सेवा की बात करूं तो यहाँ पर जो है वो तो यहाँ पर 35 पद है जो विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है। कारा सेवा के लिए यहाँ पर 2 पद है, प्रोबेशन सेवा के लिए यहाँ पर 6 पद है, ठीक है ना, वाणिज्य कर सेवा के लिए 63 पद है जिसमें कि यहाँ पर 56 जो है वो रेगुलर है और बाकी 7 जो यहाँ सॉरी हाँ 7 जो यहाँ पर सीट है वो आपका बैकलॉग यहाँ पर सीट है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर ये वाणिज्य कर सेवा के लिए है। श्रम नियोजन सेवा के लिए यहाँ पर जो सीटों की संख्या है उसकी बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो इसके लिए कुल सीटों की संख्या जो है वो 14 है। शिक्षा सेवा की बात करें यहाँ पर 10 पद हैं, सहकारिता में 8 पद हैं, उत्पाद सेवा में 3 पद हैं, गृह रक्षा वाहिनी सेवा में यहाँ पर 1 पद है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग यहाँ पर कहीं की सेवाओं के लिए आवेदन यहाँ पर मंगाए गए हैं और कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 342 है, सभी को जोड़ दीजिएगा तो 342 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कमर कस लेना है और आप सबको तैयारी के लिए यहाँ पर बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, ठीक है, तैयार रहना है अपना कमर कस से, ठीक है। और यहाँ पर चलिए आप देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये सभी जो है वो पद यहाँ पर कोटिवार यहाँ पर आवंटित किया गया है और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो सेवाओं या पदों की संख्या है वो घट बढ़ भी सकती है, ठीक है ना, ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है तो उसमें हो सकता है कि बाद में अगर बदलाव हो तो उसमें आपको चिंता करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सैलरी और ग्रेड पे यहाँ पर कितना रहने वाला है, ठीक है ना। झारखंड लोक सेवा आयोग जब जेपीएससी में आप एक अधिकारी बन जाएंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ग्रेड पे क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पर देख लीजिए उप समाहर्ता के लिए और यानी कि हम लोग यहाँ पर एक तरह से देखें कि जो पहला से लेकर 8वां तक है, 1 से लेकर 8 तक है, सभी में चाहे वो उप समाहर्ता के लिए हो, पुलिस उपाधीक्षक के लिए हो, राज्य के पदाधिकारी के लिए हो, काराधीक्षक के लिए हो, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 के लिए हो या फिर जिला समादेष्टा के लिए हो, सहायक निबंधक के लिए हो, श्रम अधीक्षक के लिए हो, सभी के लिए यहाँ पर वेतनमान जो है वो न्यूनतम 9300 से लेकर अधिकतम 34800 है और ग्रेड पे की बात करें तो 5400 सभी में है, ठीक है ना।
तो यानी कि एक से लेकर आठ तक यहाँ पर समान रूप से ग्रेड पे रहेगा और वेतन भी रहेगा, सैलरी भी रहेगा। दो पद है प्रोबेशन अधिकारी और दसवां जो है यहाँ पर वो है देख लीजिए निरीक्षक उत्पादक, ठीक है ना, उत्पाद। तो यहाँ पर इन दोनों में सैलरी तो सेम है लेकिन ग्रेड पे जो है वो कितना है 4200 है, ठीक है ना। तो ग्रेड पे जो है वो इसमें डिफर कर रहा है, अंतर है इसमें 4800 है, बाकी सभी में ग्रेड पे जो है वो 5400। तो आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, जॉब हो जाएगी, नौकरी हो जाएगी, तब आपको ये सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जो दिया गया है शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, ठीक है ना। यानी कि इसको इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी विश्वविद्यालय से जो है यहाँ पर रेगुलर या फिर जो है वो डिस्टेंस कोर्स में आपका कम से कम ग्रेजुएशन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ कम से कम जो है आपको स्नातक होना जरूरी है, ठीक है ना, ग्रेजुएशन यहाँ पर आपका होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था कि बहुत लोग विज्ञापन जारी होने के बाद और कुछ दिन पहले यानी दो तीन दिन चार दिन पहले जो है वो झारखंड राज्य सरकार ने यहाँ पर फाइनली जो है वो इसमें एज रिलैक्सेशन दी है और उस पर मुहर लगा था कि वर्ष 2017 का एज कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है ना। और उस पर यहाँ पर भी जो है मेंशन किया गया है, यानी कि जो एज कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है 1/8/2017 रहने वाला है। इसी तिथि को देखना है आपको कि इस एज में यहाँ पर जो है वो कितना यहाँ पर अधिकतम आपका हो रहा है। अधिकतम के लिए यहाँ पर जो काउंट किया जाएगा तिथि वो 1/8/2017 को, 1/8/2017 को मैं बताऊंगा यहाँ पर आगे जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर उम्र की सीमा है उसके लिए यहाँ पर डेट जारी किया गया है। और न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें, ठीक है ना, तो 1/8/2024 के आधार पर किया जाए, ठीक है। मैं आगे समझाऊंगा इस चीज को, आपको और भी क्लियर यहाँ पर कर दूंगा कि उम्र सीमा जो है यहाँ पर रहने वाली है, डेट जो कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है वो किस तरह से रहेगा। यानी कि 1/8/2023 को यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है ना कि मिनिमम आपका 21 साल यहाँ पर उम्र होना चाहिए। तो 1/8/2024 को आपका 21 साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको देखना है। अगर आपको हो रहा है 1/8/2024 को 21 साल, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपका नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अधिकतम की बात करें हम लोग यहाँ पर, अधिकतम यानी कि जो है जो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व है, कहिए कि चलिए यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेंशन यहाँ पर किया गया है ना, यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया है कि जो जनरल के अभ्यर्थी होंगे उनकी अधिकतम उम्र सीमा जो है वो कितना है, 35 है ना। तो ये 35 जो आपको काउंट करना है 1/8/2017 को काउंट करना है, 1/8/2017 के आधार पर यहाँ पर आपका अगर 35 साल हो रहा है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। 1/8/2017 को अगर आपका उम्र 35 साल हो रहा है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अपर के लिए मिनिमम के लिए कितना मैंने बताया यहाँ पर 1/8/2024, समझ में आ गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं डिटेल्स में समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। और आप सब अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और उनको बोलिए कि यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अधिकतम की बात करें यहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए यहाँ पर जो उम्र रहने वाला है वो 37 साल रहने वाला है। यानी कि 1/8/2017 को आपका जो ओबीसी 1 ओबीसी 2 के अभ्यर्थी है उनकी अधिकतम उम्र यहाँ पर 37 साल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फीमेल जो है चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो उनके लिए 38 साल यहाँ पर रखा गया, चाहे वो अनरिजर्व हो, जनरल हो, या फिर जो है वो ओबीसी 1 ओबीसी 2 एससी एसटी जो भी है उनके लिए यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए कितना है यहाँ पर, महिला चाहे पुरुष हो उनके लिए यहाँ पर जो है वो 40 साल अधिकतम यहाँ पर रखा गया है। जो पर्सन विथ बेंच मार्क एंड डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, उनके लिए यहाँ पर 10 साल का यहाँ पर जो है वो छूट दिया जाएगा। जो अधिकतम उम्र सीमा है उसमें 10 साल का छूट दिया जाएगा। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर जो है वो 5 साल का यहाँ पर छूट दिया जाएगा। तो ये रहा यहाँ पर आपका उम्र सीमा से संबंधित, यहाँ पर मैंने सारी बातें आपको बता दी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपको उम्र सीमा जो है वो इस तिथि के अंदर यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद यहां पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कोई अटेम्प्ट यहाँ पर नहीं है, यानी कि आप कितना बार भी फॉर्म भरे हैं उससे कोई मायने यहाँ पर नहीं रखता है कि आप एक बार फॉर्म भरे हैं या 10 बार फॉर्म भरे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, कोई भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आपके लिए नहीं है, ठीक है। आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र है वो आपको बना करके यहाँ पर अपलोड करना होगा, जमा करना होगा, OBC1 के, चाहे OBC2 के, चाहे SC हो, चाहे ST हो, ठीक है ना, चाहे वो कहे कि AWS हो, तो सभी के लिए यहाँ पर जो है वो सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा, ठीक है ना। और तिथि यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो मैं बता दूं कि आपके लिए जो तिथि मेंशन किया गया है यहाँ पर वो कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर दिनांक 10/5/2023 द्वारा निर्धारित जो पत्र प्रपत्र है उसमें यहाँ पर देख लीजिए मेंशन किया गया होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर जो तिथि रहने वाला है वो 10/5/2023 से पहले का आपका जो है यहाँ पर वो नहीं बना होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है वो, और OBC1 OBC2 के लिए यहाँ पर जो डेट रहेगा वो 25/2/2019 रहेगा, ठीक है ना। ये आपके लिए यहाँ पर तिथि जो है वो मेंशन की गई है कि इसके बाद का ही यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो मान्य यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। डिसेबिलिटी क्या है तो कम से कम 40% आपकी डिसेबिलिटी होना चाहिए जो दिव्यांग है ना, चाहे वो किसी रूप में भी हो। खेल कूद कोटे के अंतर्गत यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी गेम्स में जो है वो कोई मेडल जीते हो, या फिर भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया हो और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड है तो भी आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ जो है वो दिया जाएगा, ये मेंशन किया गया है। आपका मेडिकल जांच भी यहाँ पर किया जाएगा, एग्जामिनेशन के बाद जो है ना जब आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वगैरह लिखेंगे तो आपका मेडिकल जांच भी यहाँ पर किया जाएगा कि आप जो है कि स्वस्थ हैं या नहीं है, ठीक है ना। आप जो है वो स्वस्थ हैं या नहीं है ये चीज आपको यहाँ पर चेक किया जाएगा, और उसके बाद फिर जो है वो यहाँ पर आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है ना। तो वहां पर देखा जाता है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये चीज जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है क्या क्या यहाँ पर होना चाहिए कि मेडिकल में जो है आपकी क्या क्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें अलग अलग तरह से यहाँ पर 12 चीजें हैं जो आपकी चेक की जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो पुलिस उपाधीक्षक है, जिला समादेष्टा है, काराधीक्षक है यानी, और प्रोबेशन पदाधिकारी है, उनके लिए यहाँ पर जो है वो कम से कम हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। DYSP के लिए कर रहे हो, जिला समाजेष्टा के लिए कर रहे हो, यहाँ पर JLSP के लिए आप कर रहे हो, है ना, तो आप या फिर प्रोबेशन अधिकारी के लिए कर रहे हैं तो आपको कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो यहाँ पर कहिए कि जनरल और OBC के लिए, जो SC ST के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 162 सेंटीमीटर यहाँ पर लंबाई जो है वो हाइट आपकी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। महिला अगर आप यहाँ पर हैं पिछड़ा वर्ग से, OBC1 OBC2 या फिर जनरल से, 155 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। और अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो आपको कम से कम जो है महिला अभ्यर्थी हैं तो उनकी 152 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। सीना भी यहाँ पर देख लीजिए, जो जनरल और OBC के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 81 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा गया है, और जो अनुसूचित जनजाति जनती है उनके लिए न्यूनतम जो है बिना फुलाए वो यहाँ पर 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपका फिजिकल जो आपका फिटनेस है, शरीर का स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर भी यहाँ पर जो है वो जांच किया जाएगा और मेजरमेंट किया जाएगा। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंप्राइजेज ऑफ टू सक्सेसिव स्टेजेस, ठीक है। एक आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ठीक है। और एक आपका क्या होगा, एक आपका मेन्स एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका रिटेन होगा, और रिटेन के बाद यहाँ पर आपका इंटरव्यू आपका यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें, मैं बता रहा हूँ डिटेल्स में, आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो स्टेज में आपकी एग्जामिनेशन होगी, प्रीलिम्स में, मेंस में, और फिर उसके बाद इंटरव्यू का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए 3 स्टेज यहाँ पर क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। प्रीलिम्स में यहाँ पर 2 पेपर होंगे आपके, ठीक है ना। सभी जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर MCQ टाइप में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और सभी का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का आपका यहाँ पर होने वाला है। 2 घंटे का आपका ये जो है
एग्जामिनेशन होगा, यानी कि पेपर वन जो होगा वो 2 घंटे के लिए होगा, पेपर टू जो होगा यहाँ पर ठीक है ना, वो भी आपका 2 घंटे के लिए होगा। यहाँ पर ये पहला जो पेपर होगा वो जीएस पेपर होगा ठीक है, और इसमें 10 झारखंड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा जो पेपर होगा वो झारखंड जीएस के लिए यहाँ पर ये पेपर स्पेशल आपका रहने वाला है। तो यानी कि झारखंड जीएस की बात करें तो कुल 110 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा, रिटेन एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा ठीक है ना, यहाँ पर मेंशन किया गया है क्या क्या पेपर रहने वाला है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है ठीक है ना, मेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर ठीक है। 6 पेपर आपका यहाँ पर होगा, और इसमें जो है यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद इंटरव्यू यहाँ पर आपका लिया जाएगा ठीक है। आगे यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपका ठीक है ना, सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स एंड फीमेल्स के लिए जो है, यानी कि एससी एसटी जो फीमेल हो उनके लिए कम से कम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 32% यहाँ पर लाना जरूरी है ठीक है ना, ये आपका मेंस के लिए यहाँ पर हो जाएगा ठीक है ना। कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 40% इन एग्रीगेट शैल ओनली बी कंसिडर्ड बाय द कमीशन ठीक है ना, कमीशन के द्वारा तभी यहाँ पर जो है वो मेंस जब आप लिखेंगे ओवरऑल कम से कम आपका 40% मार्क्स जो है वो आना चाहिए ठीक है। कोई भी डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है ना सारी बातें ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप सब एक लाइक जरूर कर लीजिएगा ठीक है, ताकि आपको इतने अच्छे से समझ में आ रहा है, आप यहाँ तक देखते आए हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कम से कम जो है वो 40% ओवरऑल होना चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है किसी भी अभ्यर्थी के लिए। तो और इसके अलावा जो एससी एसटी के अभ्यर्थी होंगे उनको कम से कम जो है फीमेल अभ्यर्थी होंगे उनको 32% लाना अनिवार्य है ठीक है। जो यहाँ पर ओबीसी यहाँ पर कहिए कि 1 और 2 में है, ओबीसी 1 और 2 उनके लिए यहाँ पर देख लीजिए ओबीसी 1 के लिए 34% है और ओबीसी 2 के लिए 36.5% है, 36.5% है। और यहाँ पर जो पीटीजी है यानी कि जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है उनके लिए 30% यहाँ पर रखा गया है, और जो ईडब्ल्यूएस के लिए है वो 40% है, यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ जो मिनिमम है वो 40% है ठीक है। इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, सिलेबस की ओर चलते हैं, बाकी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। सर्विस जो है आपको यहाँ पर जो आप चूज करेंगे वही आपको उसी के आधार पर आपको अलॉट किया जाएगा पद, जिस पद के लिए यहाँ पर आप जो है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे ठीक है ना। जब आप मेंस के एग्जामिनेशन यहाँ पर देंगे ठीक है ना, प्रीलिम्स का देंगे उसके बाद मेंस का यहाँ पर देंगे, तो उसमें आपको चूज करना होगा किस पद के लिए आप जो है वो, या मार्क्स के आधार पर जो है वो आपको यहाँ पर पद जो है वो अलॉट भी किया जाता है। प्रीलिम्स होगा वो 400 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है ठीक है ना, प्रीलिम्स जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 का यहाँ पर आपको मिला करके जो है वो 400 नंबर का होगा ठीक है। 2-2 घंटे का 2 पेपर आपसे यहाँ पर लिया जाएगा, टोटल मार्क्स जो होगा वो कौन सा कितना होगा 200 मार्क्स का होगा जो पेपर 1 होगा ठीक है ना, एक पेपर 1 होगा और एक आपका यहाँ पर पेपर 2 होगा ठीक है ना, जीएस पेपर पेपर 1 होगा जिसमें कि सारे जो है वो जीएस के सेक्शन होंगे, और जनरल स्टडीज पेपर 2 होगा वो झारखंड से संबंधित होगा ठीक है ना, झारखंड से संबंधित यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 घंटे का समय मिलेगा, सही के लिए यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ पर जो है देख लीजिए नेगेटिव यहाँ पर कोई भी मार्किंग नहीं है। तो इसमें सिलेबस में यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 होगा उसमें देखिए किसमें से कितना क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री पेपर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो एंशियंट इंडिया से यहाँ पर जो है वो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेडिएवल इंडिया से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है, मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा ठीक है, यानी कि यहाँ से आपसे 15 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दूसरा है जियोग्राफी ऑफ इंडिया ठीक है ना, जियोग्राफी दूसरा सेक्शन जो यहाँ पर आपको मिलेगा, जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि जनरल जियोग्राफी 3 क्वेश्चन है, फिजिकल जियोग्राफी 3 क्वेश्चन है, इकोनॉमिकली जियोग्राफी जो है इकोनॉमिकल जियोग्राफी जो है उससे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, सोशल एंड डेमोग्राफिक जियोग्राफी उससे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि कुल 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको जियोग्राफी से देखने को मिलेंगे ठीक है ना। पूरा यहाँ पर सिलेबस जो है वो मेंशन किया हुआ गया है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है ठीक है ना, तो इससे आपको तैयारी करने में आपको बहुत ही हेल्प होगा, मदद होगा यहाँ पर ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से बात करें यहाँ पर तो इसमें से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से यहाँ पर 4 क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटी से यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो कुल 10 क्वेश्चन यहाँ से आपका रहने वाला है।
इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ से देख लीजिए, इकोनॉमिक्स सेक्शन से अगर यहाँ पर बेसिकली बात करें तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, और किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर 10 क्वेश्चन पेपर वन में जो है वो झारखंड स्पेसिफिक यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स है उससे 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपको रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर रहता है कि सभी सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलना है, चाहे वो करेंट का हो चाहे वो आपका जीएस का पार्ट हो, ठीक है ना। और खास यहाँ पर बात ध्यान रखने वाली बात है कि पेपर टू जो आपका यहाँ पर होने वाला है वो कंप्लीटली जो है यहाँ पर वो कहिए कि झारखंड से संबंधित ये प्रश्न रहेगा। इसमें एक सेक्शन और है, जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर एंड रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज ह्यूमन राइट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब से भी प्रश्न जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये 15 क्वेश्चन रहेगा, इसको आप इजिली जो है वो यहाँ पर कवर कर सकते हैं, इससे संबंधित जो है वो एक अलग से हम लोग कहिए कि मटेरियल तैयार है, आप उसको अगर पढ़ लेते हैं तो काफी क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जनरल स्टडीज पेपर टू के लिए यहाँ पर देख लीजिए, जो कहिए कि झारखंड का इतिहास है उससे यहाँ पर 8 प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। झारखंड आंदोलन से संबंधित 7 प्रश्न रहेंगे, झारखंड की विशिष्ट पहचान है उससे 5 प्रश्न रहेंगे, पेपर टू की बात मैं कर रहा हूँ जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल जो आदि आदिवासी संस्कृति है उससे 5 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर जो CNT SPT है उससे भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब ही बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। मेंस की बात करें यहाँ पर, मेंस का सिलेबस यहाँ पर है, पेपर वन होगा, ठीक है ना, 3 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा, और ये जो है आपका यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आप यहाँ पर सक्षम है उसमें आप लिख सकते हैं, और दोनों ही यहाँ पर मोड में आपको क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा, ठीक है, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। पेपर टू जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, लिटरेचर यहाँ पर है, पेपर वन जो रहता है वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है, हैविंग टू सेपरेट सेक्शन, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश ईच ऑफ 50 मार्क्स हैविंग सेपरेट आंसर शीट, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है सिर्फ क्वालिफाई करना है, ये मेरिट में आपका यहाँ पर काउंट नहीं होगा, ठीक है। पहला जो पेपर है आपका वो मेरिट में काउंट नहीं होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट अदर फॉर इंटरव्यू टेस्ट फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट, मार्क्स ऑब्टेन इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, साफ साफ लिखा हुआ है कि पहला पेपर का आपका मार्क्स जो है वो यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 30 नंबर लाने हैं और इसको पास करना है, मिनिमम 30 नंबर लाना है और क्वालिफाई कर लेना है इसको, और इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बातें। और उसके बाद सेकेंड पेपर जो होगा आपका लैंग्वेज पेपर होगा, ठीक है ना, ये लिखित रूप से होगा, 3 घंटे का होगा और 150 नंबर का आपका ये रहने वाला है, ठीक है ना। और ये डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि आपको यहाँ पर इसकी आंसर जो है वो लिखनी है, ठीक है ना, इसका आंसर जो है आपको लिखना है, ठीक है ना। जो भी लैंग्वेज है यहाँ पर, जो भी लैंग्वेज दिया गया है, 15 लैंग्वेज है यहाँ पर, उन सभी में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं, चाहे हिंदी रखें, कोठा रखिए, नागपुरी रखिए, उड़िया रखिए, बंगाली रखिए, उर्दू रखिए, संथाली रखिए, ठीक है ना, कुड़ुक रखिए, मुंडारी रखिए, खड़िया रखिए, हो रखिए, उर्दू रखिए, बंगाली रखिए, कोई भी भाषा एक यहाँ पर आपको चूज करना है, और ये जो है यहाँ पर ये आपका आपका काउंट किया जाएगा मेरिट लिस्ट में, ठीक है ना। पेपर थ्री है तो यहाँ पर देख लीजिए, पेपर फोर है, पेपर फाइव है और पेपर सिक्स है, तो ये सारे जो सेक्शन आते हैं, ये 4 पेपर है, पेपर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो है वो यहाँ पर आपका जीएस पेपर हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो 5 है, 4 जीएस पेपर और एक आपका लैंग्वेज, ये 5 पेपर होंगे जिसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होगी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। टोटल मार्क्स की बात करें हम लोग जो यहाँ पर कहिए कि मेरिट जो आपका प्रिपेयर होगा वो 950 नंबर का होगा, और इसके अलावा इंटरव्यू के लिए यानी कि जो 100 नंबर है ऐड होगा, यानी कि 1050 में आपका जो है वो मेरिट बनेगा, ठीक है ना। 1050 में से कितने नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज देखिए कि 50-60% के बीच में कट ऑफ जो है वो हर ईयर जाता है, तो इससे आप एक अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 55-60% अगर नंबर ओवरऑल ले आता हूँ इंटरव्यू तक, तो मेरी सिलेक्शन यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो 950 यानी कि 950 सब्जेक्टिव आपका जो यहाँ पर रिटेन एग्जामिनेशन होगा उसके आधार पर, और 100 इंटरव्यू, 1050 नंबर पे यहाँ पर आपका जो है वो ये मेरिट बनने वाला है। तो ये कब बनेगा, जब आप अच्छे से यहाँ पर तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल मैंने बता दिया कि 1050 नंबर से यहाँ पर आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट बनने वाली है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मेंस में क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो मैंने सारी चीजें यहाँ पर डिटेल्स में आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, किस तरह से यहाँ पर जो है प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी हैं और यहाँ पर मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर 11 जेपीएससी की बहुत जल्द, ठीक है ना, आप सब सीजीएल का एग्जाम लिख करके आइए, उसके बाद यहाँ पर जो है 11 जेपीएससी की जो प्रॉपर तैयारी है प्रीलिम्स की चाहे वो मेंस की, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ टीमों के साथ जो है वो आप यहाँ पर जुड़कर तैयारी करिएगा। हमारे संस्थान में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में यहाँ पर क्लासेस चलने वाली है। ऑनलाइन के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये हमारा ऐप है जेएल लर्निंग ऐप, आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा, चलिए नहीं दिख रहा है तो इसी में आप देखिए यहाँ पर JL लर्निंग ऐप है, आपको स्क्रीन में भी नीचे यहाँ पर दिख रही है, उसमें भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी अगर आपको इंक्वायरी है तो इस नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, स्क्रीन में भी नीचे स्क्रॉल हो रहा है हमारा नंबर, वहां से भी आप देख करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आप बेहिचक रहिए, हम लोगों की यहाँ पर जो प्रीलिम्स की हो चाहे मेंस की हो दोनों की ही यहाँ पर क्लासेस चलने वाली हैं और यहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन चाहे वो इंटरव्यू की हो चाहे वो प्रीलिम्स की पेपर हो चाहे मेंस आंसर राइटिंग की हो, सभी के हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ हम लोग यहाँ पर तैयारी करने कराने वाले हैं। तो आप सब जरूर जुड़िएगा, आपकी क्लासेस की यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से चलने वाली है, ठीक है ना। चलिए तो आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, मैंने विज्ञापन को पूरे डिटेल्स में बता दिया है, कुछ डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो उसमें डिस्कशन करूंगा कि आपके जो डाउट है वो जो है वो मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।